हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि SBI की जो एनुअल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है तो इसमें एक बड़ी अच्छी सर्विस है जिसमें आप क्या है एक अकाउंट ओपन कर सकती हो अपनी खुद अपनी मोबाइल पर अपने घर पे बैठ कर। इसके लिए आपको चाहिए एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। तो चलिए इसको कैसे क्या आपको ओपन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जाने से पहले जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस तरह से जो हमारे वीडियो जब प्ले होता है तो इस तरह से जब इसका नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और हमारे साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। दबाने के बाद हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो नोटिफिकेशन तरह आपका मिलता रहेगा। और लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक करने से आप लोग का प्यार हमारे साथ जुड़ा रहता है आप लोग का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जब भी गूगल प्ले स्टोर में जाके योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके जब आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए नीचे सब तीसरा जो वाला है देखिए ओपन न्यू डिजिटल अकाउंट, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो इसका दो ऑप्शन आएगा, एक डिजिटल सेविंग अकाउंट और एक इंस्टा सेविंग अकाउंट। इसका दो तरीका है। तो जो जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है इसको क्या करेंगे को एक बार बैंक जाना पड़ेगा नहीं तो ये अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। और दूसरा जो इंस्टा सेविंग अकाउंट ये तुरंत आपको ओपन हो जाएगा, तुरंत आप इसको ओपन कर सकते हो। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है इसमें आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो और जो इंस्टा सेविंग अकाउंट है इसमें आपको एक साल में 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसका ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और जो मिनिमम जो बैलेंस है आपको 1 लाख आपका अकाउंट में जो है कि 1 लाख तक रख सकते हो, उसका ज़्यादा आप अकाउंट में नहीं रख सकते हो। तो ये बहुत इंस्टा सेविंग अकाउंट ये बहुत अच्छे है क्योंकि तुरंत आपको मिल जाएगा, इसको आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसको इसके लिए हम देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो। तो देखिए यहाँ पे दो अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, देखिए अप्लाई न्यू और एक जो है कि आप कभी भी पहले करके आधा करके छोड़ दिया पूरा नहीं कर सका तो उसके लिए आप दो नंबर वाला ऑप्शन चॉइस करके आप दोबारा उसको पूरा कर सकते हो। तो चलिए अप्लाई न्यू पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे बताएगा, कम से कम आपको 18 साल का होना चाहिए, ये जो है पेपरलेस अकाउंट है। और दूसरा है ये पर्सनालिटी रुपए कार्ड, को एक ATM कार्ड जैसा पर्सनालिटी रुपए कार्ड मिलेगा। और इसमें जो है कि देखिए मिनिमम बैलेंस अकाउंट 1 लाख, इसका 1 लाख का नीचे आप रख सकते हैं, 1 लाख का ऊपर आप यहाँ इस अकाउंट पे नहीं रख सकते हो। तो इस तरह से आप इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। देखिए इसको ओपन करने के लिए देखिए आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड चाहिए, ये दो होने से आपको अकाउंट तुरंत बन जाएगा। तो उसको तो देखिए यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए चिकमक लगा लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के साथ साथ आपको पास आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड नंबर मांगेगा। तो जब भी आप आधार कार्ड नंबर दे देंगे तो उसके देने के बाद जब भी वेरीफाइड हो जाएगा तो उसके वेरीफाइड होने के बाद आपको पास पैन नंबर मांगेगा। पैन नंबर डालने के बाद आपको पूरा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए आपको पूरा डिटेल्स फिल करके आप जब भी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट तुरंत बन जाएगा। तो यह अभी हम आपको ओपन करके नहीं बता सकते हैं तो क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उसमें ऑलरेडी हमारा अकाउंट बन चुका है, दूसरा हमारा पास अभी कोई खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पा रहे। तो जब भी कोई किसी का भी अगर मिलेगा तो उसका पास हम लेके आपको दूसरा एक वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करके आपको पूरा वीडियो में डिटेल बाय डिटेल हम समझा देंगे। तो इस तरह से आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो आज का वीडियो जो है इतना तक हमारा। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।